किसानों के दिल्ली कूच को 24 घंटे हो गए हैं और ऐसे स्थिति क्या है वो आपको बताते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ पंजाब के राजपुरा में और ये नेशनल हाईवे है नंबर 44। यहाँ पर आप देखें तो जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है यहाँ से, और उसकी वजह यह है कि सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो लुधियाना और की और चंडीगढ़ की तरफ जाता है, तो दूसरी तरफ निशान दिखाइए जो हाईवे है आगे वो अम्बाला में जाता है और वहाँ पर शंभू बॉर्डर है हरियाणा की तरफ जो जाता है, तो वहाँ पर किसान डटे हुए हैं, नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए इस हाईवे को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है क्योंकि किसान बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से इस पर नाकेबंदी कर साफ तौर पर कहा गया है कि आप सर्विस रोड से आगे की तरफ जाए। अब देखिए जो गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है, किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली चलने की बात कह रहे हैं कि उन्हें MSP पर अब कोई आश्वासन नहीं, गारंटी चाहिए, कानूनी गारंटी चाहिए, और कई मांगे हैं उनकी इसको लेकर के डटे हुए हैं। उसका असर ये देखने को मिल रहा है ना सिर्फ हरियाणा और पंजाब की जो तमाम सीमाएँ हैं उनको सील कर दिया गया है, बल्कि जो दिल्ली है उसमें भी 2 दर्जन से ज़्यादा जो बॉर्डर्स लगते हैं, मतलब जो आगे दिल्ली के साथ है या फिर UP हरियाणा, उन सबको भी सील किया गया है और उसमें लोगों को ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अभी क्योंकि एकदम सुबह का वक्त है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन यहाँ के जो मेन हरियाणा का जाने का रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनको ही जाने दिया जा रहा है, और ये देखिए पंजाब पुलिस की तरफ से बाकी रूट को एक बार डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी देखिए आपको बताएं कि अभी भी किसानों के आने का सिलसिला जारी है, लगातार जो किसान लोग हैं वो जत्थेबंदी आते जा रहे हैं, और देखिए अभी अभी पहुंच रहे हैं आप। हाँ जी, कहाँ से चले, कब चले? वागे बॉर्डर से चले हैं, खासे से, अमृतसर से। हाँ जी, हाँ जी, और कल सुबह के चले हैं, कल सुबह के चले। हाँ, हाँ। और अब क्या आगे क्या प्लान है? आगे प्लान देखेंगे जाकर, पीछे बात कर लो, जाकर धन कराए हैं, पीछे बात कर लो, पीछे हाँ राशन भी लेकर आए हैं। और बात करते हैं, और बात कर, देखिए ये कह रहे हैं कि ये वाघा बॉर्डर साइड से आए हैं, और देखिए किसानों का लगातार आने का सिलसिला जो जारी है। हाँ जी, चले थे कल दे चले, कल चले हुए। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली जाके मानेंगे? हाँ जी, दिल्ली जाके मानेंगे। देखिए लगातार जो किसानों का आने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है, और हज़ारों की तादाद में अभी भी अगर मैं बात करूँ तो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और जो गाड़ियाँ हैं उनसे किसान शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं। अपने वीडियो से होगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, TV9।